भारत के दो चेहरे हैं, इस तरह की चर्चा होती रहती है। दरअसल ये दो चेहरे क्या हैं? एक है इंडिया और एक है भारत। इंडिया क्या है कि आप जब दिल्ली बेंगलोर जैसे शहरों में जाते हैं या बड़े बड़े जो शहर हैं, जो डेवलप शहर हैं, वहां जाते हैं, वहां की जिंदगी को देखते हैं, वहां भी वो जिंदगी जो एलिट क्लास की जिंदगी है। मान लो आप मुंबई जाते हैं, जो पॉश इलाके हैं, जहां लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, पहनने को प्रचुर मात्रा में कपड़ा है, घूमने को गाड़ी है, वो सब कुछ है, वो है इंडिया। और भारत क्या है? भारत ये है जहां खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा है लेकिन बहुत कम है, किसी तरह से जीवन गुजर बसर कर लेते हैं। तो आज जो है हम भारत और इंडिया के मेल मिलाप का वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दिनों हिंदुस्तान या आर्यावर्त के भीतर भारत और इंडिया को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कौन इंडिया है, कौन भारत है, इसको लेकर राजनीति रोटी सेकने वाले खूब रोटी सेक रहे हैं। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले लड़ाई इंडिया बनाम भारत की होने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन उस चश्मे से जो इंडिया आपको दिखता है या जो भारत आपको दिखता है, उससे इतर एक इंडिया और एक भारत इस देश के भीतर ना जाने कितने दशकों से मौजूद है। ऐसे ही इंडिया टू भारत की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। काश इस चुनाव में इस इंडिया और भारत की भी चर्चा होती और इस इंडिया और भारत के बीच के फासले की भी चर्चा होती तो शायद इस देश की सूरत आने वाले समय में बदल जाती। इस तरफ देखो, पढ़ता है कहाँ पढ़ता है? डिबरा स्कूल में। ये लोग कौन है? भाई लोग। कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। तो ये लोग को देख के क्या लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। ऐसा बनना चाहता है तुम भी? जी। हाँ, ऐसा कपड़ा पहनना, ऐसा स्कूल में पढ़ना चाहता है? जी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। तुम कुछ सवाल पूछना चाहता है इनसे? कुछ पूछना चाहता है? तुम्हारे मन में है कुछ? नहीं। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलना। पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? हैं? अब बताओ कहाँ पढ़ता है? हाँ, यहाँ से निकले हैं। निकले हैं? कहाँ निकला है? कि पूछ रहा लो कि की हो किला हो? हाँ हाँ, है। मैं भात पकाई भात मैंने चावल हैं। क्या भात की बने ली रे? आज बताई जरा इनका के दिखा की बने ली रे खाना। क्या भात रे दियो? दाल सब्जी। बैठ जाओ तुम लोग भी बैठ जाओ। अच्छा, तू पूछ ली नहीं खाना वाने के लिए? पूछी खाई तो की ना खाई तो खाइबे तो बेबी आई बे तो हम जबो बागरे रंबो आई जतरा तुम रेंदरी अपन पूछी समझे क्या बोल रही है? ये कह रही है कि नेक्स्ट टाइम आओगी तो खाना देंगे हम। अभी जो था वो हम खा लिए, हम जितना बनाना था हमको हमने बनाया और उसको खा लिए। नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम तुम लोगों के लिए बनाएंगे। तुम लोगों के अंदर अगर कोई सवाल है, क्योंकि तुम लोग, मेरा ये है मोटो ये समझने का आप लोगों को लेके, कि आप लोग जब आए हो बाहर से तो आप लोग कुछ समझना चाहो इस घर के बारे में, इनके बारे में, मतलब सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई नहीं है, तो तुम्हारे अंदर कुछ सवाल है तो पूछो थोड़ा सा। ठीक है, सवाल तो आ रहा होगा ना? ले सकते हैं। कैसे लाइफ डिपेंड करते हैं, क्या है नहीं टोटल? ये घर किसने बनाया? वो पहला के घर हो। कितना पहले? हाँ तो बूढ़ा रह से फोन के। बूढ़ा मर गिलो, मर गुतनिया मर गिलो। कितना साल हो गया? हमार गुतनी भाई मैं सब मर गिल, बाल बच्चा कोई नहीं, सब मर गिल। ऐसे नहीं सिखा था जैसे रे फैमिलियरिटी। आप लोग कहाँ स्कूल वगैरह में जो पढ़ते हैं, इनसे पूछे जी इनके गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके गांव के बच्चे पढ़ते हैं किधर? वहाँ पे टीचर आता है। मास्टर आवे हो कि ना हो इसे पूछो? आवे दिमरा थी जोना के नहीं। के वो मास्टर आवे हो?
और उसका भी फिक्स नहीं, उसका ऑलरेडी हम लोग पिछले एक महीने से उसको ट्रैक कर रहे हैं कब आ रहा है कब जा रहा है। और जब बच्चों का हमने यहाँ पे असेसमेंट किया पूरे आईपीएम बैच के टीम के साथ में, तो उसमें महज 5% बच्चे भी पास नहीं कर पाए, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट नहीं, जब हम लोगों ने असेसमेंट किया कि 1:1 क्या है, 2:2 क्या है, 4:8, 2+2 कितना, कौन है ये लोग, देखे कभी पहले हाँ? ऐसे पढ़ने का मन करता है तुम लोगों को, बताओ हाँ? इस तरह से पढ़ने का, पढ़ के ऐसे ही तुम्हारा घर देखने आए हैं ये लोग। हाँ भैया।